हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके लिए परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है लेमन्स वर बॉट एट 4 for ₹3। कुछ लेमन्स परचेज किए हैं, ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन रेट क्या दे रखा है, 4 lemons ₹3 में परचेज किए हैं इसके हिसाब से, यानी ₹3 के 4 lemons आए हैं। इसके हिसाब से कितने lemons परचेज किए हैं ये नहीं पता हमें। फिर उसने कहा है कि सोल्ड एट 5 for ₹4, और उन्हीं सभी lemons को किस हिसाब से सेल किया है कि 4 rupees में 5 lemons के अकॉर्डिंग इस रेट से सेल किए हैं। हमसे सवाल किया है व्हाट वाज द गेन और लॉस परसेंट, इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना हो तो हमें CP और SP का डिफरेंस पता होना चाहिए। CP और SP का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर SP CP से ग्रेटर है तो प्रॉफिट होता है, अगर SP CP से स्मॉलर है यानी कि लेस है तो उस केस में लॉस होता है, और हमें वो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए CP के ऊपर उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों केस में एक एक लेमन का CP और SP निकाल लेते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम CP और SP कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि CP ऑफ 4 lemons इक्वल टू ₹3। 4 lemons का CP ₹3 है। सो CP ऑफ 1 lemon विल बी 3/4 rupees। ये हमारे पास CP आ गया। इसी तरह से SP निकाल लेते हैं। SP ऑफ कितने lemons का SP गिवन है हमें, 5 lemons का SP ₹4 है। SP ऑफ 5 lemons इक्वल टू ₹4। सो SP ऑफ 1 lemon विल बी इक्वल टू 4/5। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CP और यहाँ लिख लेते हैं SP, चाहे इसको पहले लिख लो इसको बाद में, डजेंट मैटर। यहाँ पर CP 3/4 है, SP 4/5 है, ये एक एक लेमन के हैं। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए LCM 20 आ जाएगा अपने पास, 5 3 जाइए 15 और ये 16 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 15 16 से स्मॉलर है, इसका मतलब CP जो है SP से स्मॉलर है। SP जब बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस अगर करें हम तो 1/20 आ गया, यानी 1/20 डिफरेंस है, और वो हमारे पास गेन है। एक लेमन को सेल करने पर इतना गेन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इससे हम गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो गेन परसेंट हमारे पास होता है गेन मल्टीप्लाइड बाय 100/CP। अब एक लेमन पर गेन 1/20 है मल्टीप्लाइड बाय 100/ में जो CP है एक लेमन का, वो अपने पास 3/4 है, तो नीचे 3/4। अब इस 4 से इस 20 को काट दो 5 पे, या फिर इसको ऊपर लेके जाते तो भी कटना था। अब 5 से इसको काट दो 20 पे, तो ये हमारे पास आ गया 20/3, यानी 6 2/3% जो है इस केस में प्रॉफिट हुआ है। ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।